अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका ये सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन इक्वेशन की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। कोफिशेंट एक्स का फर्स्ट इक्वेशन में 1, वाई का 1, जी का -1 और ये कांस्टेंट 9। एक्स का कोफिशेंट 0, वाई का कोफिशेंट 1, जी का कोफिशेंट 3, कांस्टेंट 3। एक्स का कोफिशेंट -1, वाई का कोफिशेंट 0, जी का कोफिशेंट -2 और ये कांस्टेंट 2। और ये इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अब हमारा गोल क्या है, मतलब किस तरह से हम गॉस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। हमने ये जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आई है ना, इसे हमने ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर यहाँ पे, यहाँ नीचे ज़ीरो बनने चाहिए इन पॉइंट पे। दो तो ऑलरेडी है ना, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरह था कि यहाँ ऑलरेडी हमारे पास दो ज़ीरो आ गए हैं। दूसरे केसेस में मे भी दूसरी इक्वेशन जब आप लें उनमें इस तरह से यहाँ ज़ीरो नहीं आए, तो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ तीनों जगह पे ज़ीरो आना चाहिए। और इसे हम रो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जो डायगनल है ना हमारा, ये इस तरह से 1 1 1, यहाँ डायगनल पे 1 1 आए, और ये जो डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट हैं ये ज़ीरो हों, तो फिर हमारी गॉस एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहला बात देखनी है कि ये जो हमारे पास पहली रो है, इसका जो पहला एलिमेंट है ना, ये 1 होना चाहिए। इस केस में हमारे पास 1 है। मे बी अगर आप कोई और कोई सिस्टम लें तो उसमें यहाँ 2 3 और कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो हमारा मतलब एक काम तो ख़त्म हो गया। अब हमने इसके नीचे 0 बनाने हैं। यहाँ 0 पहले ही है, यहाँ हमें 0 बनाने की बस ज़रूरत है। अब रो 3 में हमें 0 चाहिए। हम सोचेंगे किस तरह से करें। अगर हम रो 1 को R1 इसे प्लस कर दें R3 के अंदर, तो यहाँ चेंज आएगा R3 में। जनरली हम नहीं लिखते इस तरह से, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें पता चले कि किस रो में चेंज करना है। R3 में हमें 0 चाहिए। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम R1 और R2 वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। 1 1, -1 9, 0 1 3 3। अब R1 प्लस R3, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, -1 -2 इज इक्वल्स टू -3, 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम है, जब यहाँ 1 के नीचे 2 0 बन गए, अब हमने सेकंड रो के अंदर आ जाना है। ये वाली हमारा यहाँ पे 0 को जो अगला एलिमेंट है ना, उसके अगले वाला वहाँ 1 होना चाहिए। ये हमारा ऑलरेडी 1 बन गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 1 के नीचे हमने इस जगह पे हमें 0 चाहिए। तो ये किस तरह से, अगर हम अब हमें R3 में इस जगह पे 0 चाहिए, अगर हम R2 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें और इससे ऐड कर दें R3 में, चेंज आएगा R3 में। ठीक हो गया। और 3 के अंदर अब दोबारा से ये सारी मैट्रिक्स लिख लें। R1 और R2 वैसे ही आएंगे, 1 1, -1 इस तरह से 9 3 0 1 3। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो R2 को, ये वाली को, और इसे ऐड करना है R3 में। 0 0 इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, -3 प्लस -3 इज इक्वल्स टू -6, और यहाँ पे -3 प्लस 11 ये हो गया 8। अब नेक्स्ट ये भी हमारा 1 1, अब इस जगह पे हमें चाहिए 1, तो इसे हम अगर हम R3 को मल्टीप्लाई करें -1/6 से, तो फिर हमारा यहाँ 1 बनता है। करके देखते हैं।
आर थ्री में, अगेन आर थ्री में चेंजेस आनी है, वैसे मैं लिख देती हूँ फिर भी, 1 1 -1 9 0 1 3 3 0 0 -1/6 से मल्टीप्लाई किया 1, और ये -1/6 से फिर भी साइड पे मैं आपको करके बता देती हूँ, लाइक यहाँ पे 8/6, नेगेटिव साइन क्यों नहीं भूलना, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है इन क्वेश्चन में कि बंदा नेगेटिव को भूल जाता है, तो ये आया -4/3। अब ये देखो हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे आ गए 1 और ये नीचे आ गए 0, तो हाँ ये जो है रो एचिलॉन फॉर्म है, इसे मैं ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ, 1 आ गया और ये आ गए 0, अपर ट्राइंगुलर फॉर्म भी। अब इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट नहीं, अब ये मतलब ये वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें एक्स वाई और जी की वैल्यूज चाहिए, उसके लिए हम देखते हैं ये जो इक्वेशन अब इनसे बनी, ये वाला जो कॉलम है इसमें एक्स के कोफिशियंट आए हैं, ये वाला जो कॉलम है ये वाई के कोफिशियंट्स हैं, और ये वाला जो कॉलम है ये होते हैं जी के कोफिशियंट्स, और ये बाकी जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। अब इससे हम देखते हैं कि इक्वेशन कैसे बनती, एक्स प्लस वाई नेगेटिव जी इज इक्वल्स टू 9, नेक्स्ट 0x वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 3, नेक्स्ट ये दोनों 0 हैं, जी इज इक्वल्स टू -4/3। अब हमारे पास आ गई तीन इक्वेशन, अब हमने देखा हम इसमें बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करके तो हम अपने x, y और z तीनों के आंसर्स निकाल लेंगे। बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन इसलिए कहते हैं, अब z की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ये आ गई है, इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी, जो वो y की वैल्यू आएगी उसे हम इस इक्वेशन में z और y दोनों y और z दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x। अब इससे हमें सोल्व करके देखते हैं, y प्लस 3z इज इक्वल टू 3, y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास यहाँ हमने पहले निकाल ली है हमारी y की वैल्यू, z की वैल्यू आई है -4/3। अब यहाँ पुट कर लेते हैं, y प्लस 3 इंटू -4/3 इज इक्वल्स टू 3, 4y -4 इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 7। y की वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, अब नेक्स्ट हमारा सिर्फ x की वैल्यू रहेगी, उसके लिए हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस y माइनस z इज इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन ये वाली जो हमने यहाँ पे हमारे पास निकली है इस मैट्रिक्स से, x वैसे y की वैल्यू हमें पता है प्लस 7 नेगेटिव इंटू z की वैल्यू हमें पता है -4/3 इज इक्वल्स टू 9। अब इसे हम वैसे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन इसे हम ना 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से, ये क्या हुआ 3x प्लस 21 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 3 तो कट हो गया इसके साथ, ये आ गया 4, 9 3 27, 3x 21 + 4 इज इक्वल्स टू 25 इज इक्वल्स टू 27, नाउ 3x इज इक्वल्स टू 27 - 25, दिस इज 2, ये आ गया 2/3। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, और z की वैल्यू है हमारे पास -4/3। अभी तो हमारी जो हमने इस तरह से वैल्यूज़ क्योंकि सोल्व करके फाइंड आउट किए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा जो वाकई ये इसी सिस्टम की वैल्यूज़ हैं, तो कोई भी रैंडम इक्वेशन यहाँ से हम लेते हैं, उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी सही है कि नहीं। अब ये फर्स्ट वाली इक्वेशन देख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल्स टू 9, यहाँ लिखते हैं इसे, एक्स प्लस वाई नेगेटिव जी इज इक्वल्स टू 9, एक्स की वैल्यू पुट करो 2/3 प्लस 7 माइनस इंटू -4/3 इज इक्वल्स टू 9, 2/3 प्लस 7 प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 9, ये इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 + 21 + 4 डिवाइडेड बाई 3, 9
ये बना 27/3 इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब है कि हमारा ये सिस्टम सही है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्वेश्चन के अंदर नहीं हमने करना, ये वैसे ही कि बंदा अगर खुद चेक करना चाहे कि मैंने वाकई सही वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ हम एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ बता देते हैं। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।